हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किताब इन ऑर्डिनरी लाइफ रिलीज हुई है। नवाज ने अपनी किताब में जो खुलासे किए उससे कई लोगों का दिल दुखा है। अभी तक तो एक प्रेस निहारिका सिंह ही नवाज से नाराज थीं। अब थिएटर आर्टिस्ट सुनीता राजवार ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए नवाज को खरी खोटी सुनाई है। नवाज ने अपनी किताब में सुनीता का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो उनका पहला प्यार थीं, लेकिन गरीबी के कारण सुनीता ने उन्हें छोड़ दिया। जब यह किताब सुनीता ने पढ़ी तो उन्हें इसमें झूठ के सिवाय कुछ ना मिला। तब सुनीता ने नवाज के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। नवाज ने लिखा था कि बेरोजगारी की वजह से जब उनका ब्रेकअप हुआ उस वक्त वो सुसाइड तक की सोचने लगे थे। इन झूठी बातों से नाराज सुनीता ने लिखा कि नवाज मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हें औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। अगली स्लाइड में आप सुनीता का वो लंबा चौड़ा पोस्ट देख सकते हैं। सुनीता ने पोस्ट में लिखा, कहते हैं नसीब वक्त बदल सकता है, इंसान की फितरत नहीं। नवाज की किताब पढ़कर कुछ ऐसा ही लगा और यकायक मेला राम बफा का एक शेर याद आ गया, एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी सी हकीकत है बाकी कहानियां हैं। क्योंकि इस बायोग्राफी में काफी हद तक सिर्फ छपाई है, सच्चाई नहीं। कई बातें नवाज ने अपने मन से, अपने हिसाब से और अपने हक में लिखी है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, टाइप्स। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से खुद को बुरा भी कह दिया है और उतनी ही खूबसूरती से अपनी बुराई का सारा ठीकरा औरतों पर फोड़ दिया है, खासकर मुझ पर, क्योंकि उनकी माने तो मेरे बाद उनका प्यार से और औरतों से विश्वास ही उठ गया था और उनके सारे इमोशंस रिप यानी रेस्ट इन पीस हो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके घर की दीवारों में आर्ट वर्क करती थी, हमारे नाम उकेरा करती थी, दिल बनाया करती थी, जिनके बीच से होकर कभी कभी तीर भी गुजरा करता था। ये पढ़कर ऐसा लगा मानो मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उनकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास लेने जाती थी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने रोमांटिक बॉलीवुड मूवी स्टाइल में लिख दिया कि हमारे ब्रेकअप के बाद उन्होंने व्हाइट पेंट की बाल्टी ली और ब्रश से मेरे आर्ट वर्क को दीवार से और मुझे दिल से मिटाते गए। अब सवाल ये उठता है कि जब मैंने कभी कोई आर्ट वर्क बनाया ही नहीं था तो वो किसके आर्ट वर्क को मिटाने की बात कर रहे हैं। चलो इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन असली खेल तो उन्होंने वहाँ खेला जहाँ हमारे ब्रेकअप की बात आई। नवाज हमेशा से सिंपथी सीकर रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जहाँ से सहानुभूति बटोरी जा सकती हो, कभी अपने रंग रूप को लेकर, कभी गरीबी को लेकर, कभी ये कहकर कि वो वॉचमैन की नौकरी कर चुके हैं, जबकि सच तो ये है कि उस वक्त उनका फैमिली बैकग्राउंड मेरे फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा था। एक कामयाब आदमी को इतना इनसिक्योर देखकर कामयाबी से डर सा लगने लगता है कभी कभी। खैर, नवाज का कहना है कि वो गरीब थे और स्ट्रगलर थे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो नवाज मैं क्या थी, तुमसे गरीब तो मैं थी, तुम तो कम से कम अपने घर में रह रहे थे, मैं तो दोस्त के घर में रहकर स्ट्रगल कर रही थी। ये सिर्फ तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा रिश्ता एक प्ले से शुरू होकर उस प्ले के मात्र 3 शो से पहले खत्म हो चुका था, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने तुम्हारा फोन लेना छोड़ दिया था क्योंकि घिन आती थी तुम्हारे बारे में सोचकर, बात क्या करती तुमसे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने करियर पर फोकस करो और मैं अपने। अब जब तुम सब हदें पार कर ही चुके हो तो ये भी जान लो कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम हमारे संबंध का मजाक बनाते हुए सब व्यक्तिगत बातें हमारे कॉमन फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करते थे। तब मुझे पता चला कि तुम औरत और प्यार के बारे में क्या सोच रखते हो। दूसरा बड़ा झूठ जिसने मुझे ये पोस्ट लिखने के लिए मजबूर किया वो ये कि तुम्हारे सफल होने पर मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि कभी तुम्हारे और मेरे गहरे संबंध थे। ना मैंने तब किसी को कुछ बोला था और ना आज तक किसी को कुछ बताया। फिर इतना बड़ा झूठ क्यों नवाज, अगर बहुत सच्चे बनते हो तो उन लोगों का नाम भी छाप देते अपनी बायोग्राफी में जिनके साथ मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सफल होने के बाद हमारे संबंधों का बखान किया करती थी। तुमने लिखा है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार थी, सूखे में पहली बारिश की तरह। अगर ये पहला प्यार था तो भगवान करे किसी को ऐसा पहला प्यार न मिले। आज नाम है तुम्हारा, अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तब तो नहीं कहा था, पर अब जरूर कहूंगी कि अपने करियर पर फोकस करो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं, तुम्हारी गरीब सोच की वजह से छोड़ा था। तुमने अपनी बायोग्राफी से साबित कर दिया कि मैं जिस नवाज को जानती थी तुम आज उससे ज्यादा गरीब हो। ना तुम्हें तब औरतों की इज्जत करनी आती थी और ना ही अब सीख पाए हो। तुम्हारे हालात पर बस इतना ही कहूंगी, जा, तू शिकायत के काबिल होकर आ। अभी तो मेरी हर शिकायत से तेरा कद बहुत छोटा है। और हाँ, मैं पहाड़ नहीं, पहाड़ हूँ।
बता दें कि सुनीता ये रिश्ता क्या कहलाता है में धनिया के रोल में नजर आ चुकी हैं। इसके साथ उन्होंने शगुन, रामायण, हिटलर दीदी, संतोषी माता जैसे सीरियल्स भी किए हैं। सुनीता ने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक 40 की लास्ट लोकल, संकट सिटी जैसी फिल्मों में काम किया है।